पिज़्ज़ा, बर्गर एंड सैंडविच खाने के लिए अब हमें पटना और बड़े बड़े शहरों की विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें अपने ही शहर दाऊदनगर के अंदर अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, और वो भी बहुत ही कम कीमतों में, एक रिजनेबल प्राइस के साथ, और सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी इसके अंदर जो मेन्यू के अंदर आपको पेश किया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और ये होटल यानी कि रेस्टोरेंट कहाँ पे लोकेट करता है दाऊदनगर शहर के अंदर। तो ये सारी जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो जो कि 5 से 10 मिनट की होगी उसमें अवेलेबल कराई जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एक नए ब्लॉग के अंदर आपका मोस्ट वेलकम है। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि दाऊदनगर शहर के अंदर कुछ नया हो और मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए एक दो दिन मैं लेट हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं निकला तो मुझे पता चला कि कुछ हुआ है दाऊदनगर के अंदर। तो क्या चीज़ है उसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BSK बैकपैकर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटा भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, अभी तक देख सकते हैं कि मैं तैयार हो चुका हूँ बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ से मैं जाने वाला हूँ उस जगह पे जहाँ पे आपका अपडेट देना है। देख सकते हैं कि अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा टेस्ट है इसका, स्वाद है। तो अभी हमारे सामने पास्ता लाया गया और पास्ता का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत खूबसूरत अंदाज तरीके से कि पास्ता है और सारी चीज़ें अवेलेबल है, जिसके पास्ता की भी अगर कीमत अगर इस सबकी बात करें तो बहुत रीज़नेबल प्राइस है। अगर इस पास्ते की कीमत मात्र जो है ना 40 रुपया है जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, और इतनी अच्छी चीज़ें जो है ना दी गई हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दाऊदनगर शहर में ऐसा नहीं है कि इससे भी टेस्टी हो सकता है कोई बना रहा है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे रिकमेंड करने की वजह है कि देखिए, अगर हम कहीं पे बाहर में खाते हैं, सड़क पे खाते हैं, वहाँ डस्ट है, अभी जानते हैं COVID-19 का इफेक्ट भी पड़ा है, तो इस तरह से हम गंदगियों से बचते हुए एक अच्छे जगह पर जहाँ पर अगर हम बैठ करके खाने इसके बाद साथ साथ जो है एक अच्छी फीलिंग भी फील कर सकते हैं कि यहाँ पर बैठ कर खाने का मज़ा कुछ और ही होता है, यानी कि एक अच्छा सा फीलिंग होता है। अगर आप पूर फैमिली भी बिलोंग करते हो तो वहाँ पे जाकर के बैठ कर खाते हो तो लगता है कि आप एक स्टैंडर्ड जो है ना मेंटेन करते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ जो है ना, आप जो भी करते हो ऐसा नहीं कि वेट ज़्यादा करना होता है या लेट होता है, बहुत आसानी तरीके से हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा का भी जो है ना सही से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, जो कि अब दिखाने वाला हूँ मैं। तो पिज़्ज़ा आप खाते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, यहाँ पे जो है ना पिज़्ज़ा भी मिला मुझे जो है ना पटना के कंपेयर में यहाँ काफ़ी अच्छा सस्ता दिखने के लिए मिला। मुझे याद है कि पटना में जब मैं खा रहा था तो 150 रुपये की यही पिज़्ज़ा की कीमत थी, लेकिन यहाँ पे मुझे मात्र 80 से 100 रुपये के बीच में मिलता है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हमें इंट्रेक्ट करती है कि हमें यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है ना एक मरतबा कम से कम आप विज़िट करके टेस्ट लीजिए, और खाने के बाद स्वाद टेस्ट करने के बाद आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब फुल इन्जॉय करते हैं, और उसके बाद जो है ना यहाँ के ऑनर साहब से हम एक शॉर्ट इंटरव्यू रखेंगे कि कैसे से क्या आइडिया था, क्या है, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको फिर देते हैं। प्रयास भाई, सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने जो पास्ता और क्या पिज्जा खिलाया था ना, चीज पिज्जा, काफी टेस्टी था, और हमारे सामने दो गवाह है। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ आपकी कर रहा हूँ झूठी तारीफ, ये दो हमारे बंदे हैं जिनको मैंने टेस्ट कराया था, ये बताएंगे कि वाकई टेस्टी था या नहीं। मैंने इसके पहले भी खाया है, लेकिन वहाँ मैंने पिज्जा जो खाया था मुझे मतलब जरा भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज मैंने पिज्जा खाया। मुर्शिदा, हम लोग फर्स्ट टाइम पिज्जा कहाँ खाए थे, शेयर कर दो उस चीज़ को। हाँ, पटना और कितना क्या कॉस्ट था उसका?
250 का वो मुझे पसंद नहीं आया जी। यहाँ पे 80 रुपीज़। तो रियाज भाई आप जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि एक दाऊद नगर शहर के अंदर एक इतना अच्छा सा जो है ना एक अच्छी कोशिश पहल। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जो है ना आइडिया कैसे आया कि दाऊद नगर में ये चीज़ें चल सकती है जबकि ये लोकल एरिया है। क्या आपको ये आइडिया आया था कि हम अगर ओपन करते हैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कस्टमर आएंगे? बिल्कुल, फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगा कि ये चाहवा एक ब्रांड है, ठीक है, और हम एक होटलियर हैं जी। 15-20 साल हमने इस लाइन में दिया है और एक चाहवा ब्रांड बना करके मैं छोटे छोटे सिटीज़ में इंटर कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा हॉप है जो मैंने सीखा है बाहर में 15 साल के अंदर में, बॉम्बे, दिल्ली, इवन गल्फ, उसको छोटे सिटी में लाने के लिए, जो चीज़ है नहीं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, पास्ता और फ्राइड चिकन, इवन बिरयानी, दम बिरयानी, तो ये सारा चीज़ हम छोटे छोटे सिटी में देना चाहते हैं। शेक, मॉकटेल, आई हैव लॉट्स ऑफ शेक्स, लॉट ऑफ मॉकटेल, वैरायटी ऑफ मॉकटेल एंड आइसक्रीम ऑल्सो, ये सब चीज़ देना चाहते हैं लोगों को एक छोटी छोटी सिटीज़ में। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन मैं ये करूँगा क्योंकि हम लोग भी बिज़नेस से रिगार्डिंग हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये देखते हैं कि बिज़नेस ओपन करना आसान होता है बट जो है ना उससे इनकम जनरेट करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसमें दूसरी चीज़ मैं ऐड ये भी करूँगा कि आपके जो प्राइसेस मैंने देखा, जैसा कि अभी मेरा साथी ने बताया भी था कि वहाँ 250 रुपये में हम पिज़्ज़ा खाएँ, यहाँ 80 रुपये मुझे मिल रहा है, तो ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है मुझे? ये फ़र्क है एक्चुअली, मैंने एक मार्केट सर्वे किया है फर्स्ट, मार्केट सर्वे करने के बाद मैंने उस हिसाब से सारे क्वांटिटी और सारे मेजरमेंट करने के बाद ही लोगों के बीच में लाया हूँ। और पॉकेट फ्रेंडली एक्चुअली मैं बनाना चाहता हूँ, यूथ को अपने इस ब्रांड का टेस्ट और हर चीज़ देना चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने पॉकेट फ्रेंडली बनाया है। पॉकेट फ्रेंडली कोई भी आ सकता है, मोस्ट वेलकम। तो मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा क्योंकि ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आना चाहते हैं भाई, मैं एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप आइए, विजिट कीजिए एक मरतबा, एटलीस्ट यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं और घूम करके एक मरतबा कम से कम टेस्ट करके देख लो कैसा लगता है, उसके बाद मेरी वीडियो में कमेंट करना। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं झूठी तारीफ करके भाई क्या इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई को प्रमोट करने के लिए। आप शहर में आओ, यहाँ होटल में आओ या चावा के पास, एक कम से कम चाय पी करके देखो, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अच्छा कमेंट कर देना, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी मिल जाएगी। और भाई साहब का जो है एक चावा ब्रांड है जिनका वेबसाइट भी है, सारी चीज़ें इसके बारे में बता दीजिए, ऑनलाइन जो आपका जो नेक्स्ट प्लान है कमिंग टाइम में वो सारी चीज़ें बता दीजिए ताकि लोग जो है अवेयर हो जाए इस चीज़ के बारे में। एक्चुअली चावा हमारा वेबसाइट भी है, चावा का फेसबुक, सोशल मीडिया सारा है, और इन फ्यूचर हम थ्रू वेबसाइट और मे बी स्विगी ऑल्सो आएगा, उसमें होम डिलीवरी भी स्टार्ट करेंगे आने वाले 6 महीने के अंदर में। ओके समझे, तो ये है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। शहर में, एक छोटे से शहर में स्विगी और जोमेटो की तरह जो है हमारे फैसिलिटी अगर शहर में मिल जाए तो ये हमारे शहर के लिए उन्नति की बात है कि कुछ भला होगा। तो चलिए रियाज भाई, ये सारी चीज़ें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ थैंक्स।